रानी इंशरत है जी महाराज, तुम महिलाओं के लिए जाइए। नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक आप मेरे पुत्र के प्राणों को छोड़ नहीं देते, आप मेरे पुत्र को बाइज्जत परी नहीं कर देते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पुत्र? हाँ महाराज। इसको तुम अभी पुत्र कह रही हो? हाँ महाराज, क्योंकि ये मेरा बेटा है, मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, खून से चींचा है और उसे जन्म दिया है। मैं अपने पुत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जिसने हमारे कुल को दाग लगा दिया, दुनिया में ऐसा काम मैंने आज तक नहीं देखा न सुना। इसने अपनी धर्म की माँ पर जो गंदी नियत गंदी नजर डाली, क्या इस ऐसे नालायक पुत्र को तुम पुत्र कह रही हो? मैं नहीं मानती कि मेरे पुत्र ने ये सब किया है। महाराज, आपकी आंखों पे प्रेम की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए आपको सच्चाई नजर नहीं आती, लेकिन मुझे सच्चाई का पता है। मैं नूनाजे की बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन जब बांदी ने भी गवाही भर दी महाराज, तो इसमें कोई झूठ नहीं। गवाह तो खरीदे जा सकते हैं, आप समझदार हैं महाराज। मेरे पुत्र को बख्श दीजिए महाराज, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, आप अपने इकलौती संतान को बख्श दीजिए महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज। नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हारे बेटे पूर्णमल ने ऐसा कर्म किया है जो किसी की बेटे को आज तक नहीं करना चाहिए। धर्म की माँ को माँ मानता, अरे माँ के पैर छूता, माँ के आंचल का प्यार लेता, दुलार लेता, न्यूनते बेटा कहकर के लड़ लड़ाती। मैंने इसीलिए क्या उसको महलों में भेजा कि जाओ महलों के लिए जाओ और न्यूनते पर गंदी नजर डालो। नहीं महाराज, लेकिन मेरे पुरन ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है महाराज। क्या कहना चाहती हो तुम? सुनिए महाराज, कही अपनी बात। हेरे इकलौते ने रे इकलौते ने मरवाता, क्यों दिल बढ़ गया कसाई का। इकलौते ने मरवाता, क्यों दिल बन गया कसाई का। हाँ महाराज, तुम कह रही हो इस बात को? जी महाराज। तुमने यूं पता है तुमने इसने क्या किया है? क्या किया है महाराज? मैंने क्यों सजा सुनाई है? हाँ बताइए। हो सकता है कि तुम्हें पूरी कहानी के बारे में पता नहीं हो। आप बता दीजिए महाराज। मैं बता देता हूँ खोल खोल करके। दोबारा कहिए अपनी बात को। इकलौते ने मरवाता, क्यों दिल का बन कसाई का। सात जन्म तक भी ना छूटे ऐसा धब्बा ना दिया शाही का। सात जन्म तक भी ना छूटे ऐसा धब्बा ला दिया शाही का। इकलौते ने मरवाता, क्यों दिल बन गया कसाई का। सात जन्म भी ना छूटे ऐसा धब्बा ला दिया। हाथ सौंप दिया ऐसी कौन सी करी खता। इतना खोटा कुकर्म कर दिया कैसे मुंह से कहूं बता। अरे इतना खोटा कुकर्म कर दिया कैसे मुंह से कहूं बता। और नहीं कोई लाल हमारा, और नहीं कोई लाल हमारा, दर्दी की दूर रहा सता। आंख लिकड़वाऊं जिंदे की इतना तुम को दूं जता। आंख लिकड़वाऊं जिंदे की इतना तुम को दूं जता।
भतीजा तेरा दंड बुराई का बुरे कर्म का बुरा नतीजा तेरा दंड बुराई का। मुझे हाँ। तो ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे ने ऐसा कसूर क्या कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा आप देने जा रहे हैं। तो मैं मालूम नहीं? नहीं महाराज, अपने बेटे से पूछ सकती हो। क्या किया है तुमने जिसकी सजा तुम्हें आज इतनी बड़ी दी जा रही है? महाराज मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो एक जति पुरुष है। तुम्हारी नजरों में जति पुरुष होगा लेकिन मेरी नजरों में ये जति पुरुष नहीं है। अच्छा, ये नालायक? नहीं महाराज, नालायक नहीं है महाराज, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वाह, हाँ। पिताजी के आदेश अनुसार आपका पूरण मौसी के महलों में गया और जाकर प्रणाम किया। सुन, यहां से आगे का हवाला मैं बताऊंगा इसने क्या किया। अच्छा महाराज, हाँ। लेकिन रुक रुक, ज्यादा सफाई मत ना तार। नहीं महाराज, पूछ मैं बताऊंगा इसकी कहानी क्या। सुनिए महाराज, सुनाइए, बाद में पूछ लेना फिर इसको। अरे खोट किया क्या? अरे खोट किया क्या पूरण ने रे? खोट किया क्या पूरण ने? बात अभी तक न जानी। जाके पहुंच गया महलों में। अच्छा, जाके पहुंच गया महलों में, तंग करी छोटी रानी। यो जाके पहुंच गया महलों में, तंग करी छोटी रानी। मौसी बेटे के झगड़े ने, मौसी बेटे के झगड़े ने तू कर रहे इतनी परेशानी। हाथ पकड़ के, अच्छा, अरे हाथ पकड़ के न्यू ना देखा, हाथ पकड़ के न्यू ना देखा, खूब करी खींचा तानी। हाथ पकड़ के न्यू ना देखा, खूब करी खींचा तानी। बात गले पे नहीं उतरती रे, बात गले पे ना उतरे मेरा टूटा बांध समाई का। इसे यूं पूछ इसके फेंटा कटार कहाँ है? कहाँ है? अरे फेंटा योर कटार देख ले, फेंटा योर कटार देख ले, है साबूत गवाही का। फेंटा योर कटार देख ले, है साबूत गवाही का। रानी के साथ में इसकी खूब खींचातानी हुई और उस खींचातानी में अपने फेंटा और कटार महल में छोड़ करके भाग गया। अच्छा, जैसा कि पिताजी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे फेंटा और कटार कहाँ है बेटे? मौसी के महलों में मैं पिताजी के अनुसार गया था। अच्छा, आदेश हुआ था कि बेटे आप अपनी मौसी नूना दे के दर्शन करें। अच्छा, मैंने दर्शन करने के लिए भेजा। हाँ, मैंने माँ का प्यार लेने के लिए भेजा। हाँ, मैंने न्यूनी कहा कि बेटा जा करके महलों में न्यूना देखो अपनी। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मौसी ने आपको भड़का दिया है। अरे मैं रानी की बातों पर विश्वास भी नहीं करूं लेकिन बंदी भी तो गवाह है। और रही बेटा कटार की बात, मौसी ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी कि बेटे कि पूरन मुझे अपनी मौसी नहीं
जान या महबूबा कहकर बुलाइए। बिल्कुल झूठ कह रहा है, ये सत्य वचन कह रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। आपका पूरण बांदी गवाय। मैं उधर से महाराज बांदी खरीदी भी जा सकती है, उस नूड़ा दे नहीं कुछ कुछ ना कुछ जरूर किया है महाराज। सही अपने मेरा पूरण ऐसा नहीं है, मेरा पूरण तो सोने जैसा है महाराज। अच्छा सुनिए सुनाइए। सोना काला ना हो सकता, सोना काला हो पाना, अग्नि के बीच तपाने ते खरा नहीं वो, खरा नहीं वो कहलाता एक बार मिलावट आने ते। अच्छा? खरा नहीं वो कहलाता एक बार मिलावट आने ते। वो तेरा खून नहीं पूरण मले, तेरा खून नहीं पूरण, तू कहते आज जमाने में यो मेरा खून है, लेकिन लेकिन महारानी अरे खून की लाज, अरे खून की लाज कहाँ राखी ना छूटे दाग छुड़ाने पे। खून की लाज कहाँ राखी ना छूटे दाग छुड़ाने पे। की सफाई में और कुछ कहना चाहती हो? हाँ महाराज, क्योंकि मेरा पूर्णमल ऐसा नहीं है, वो एक जति पुरुष है। आपकी उस दूसरी रानी नूड़ा दे नहीं कुछ कोई ना कोई जाल फैला रहा है, उसकी नियत में खोट आया होगा। मेरा पूर्णमल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे उसके लिए तो ये बेटा है वो नहीं वो इस, वो इस पर क्यों गंदी आप नहीं जानते महाराज, ब्रह्मा तक भी इस भेद को नहीं जान सकते कि एक औरत की नींद कब कैसे डिगर जाए। तुम औरत होकर के इस बात को कह रही हो? जी महाराज, मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि मैं नूड़ा दे को अच्छे से जानती हूँ। अच्छा हाँ महाराज, कहिए अपनी बात। सुनिए मेरी बात। एरा खोटी नजरे, एरा खोटी नजरे तक माता ने, खोटी नजर तक माता ने, ऐसा मेरा लाल नहीं। ऐसा पूत मरिया अच्छा जिसे ऊंच नीच का प्यार नहीं। ऐसा पूत मरिया अच्छा जिसे ऊंच नीच का प्यार नहीं। मेरा बेटा नीत धरे मौसी पे, बेटा नीत धरे मौसी पे, ऐसी सुनी मिसाल नहीं। पूरन मलका तेरे पूरन मलका काल जरूरी हो सकती है वो काल नहीं। तेरे पूरन मलका काल जरूरी हो सकती है वो काल नहीं। लपका तेरे हरे राम बैसले, लपका दे हरे राम बैसले, तेरा सार तेरी कविताई का। सत की जीत हमेशा होती ऊंचा नाम भलाई का। सत की जीत हमेशा होती ऊंचा नाम भलाई का। लोटे ने मरवाता पुतल बन गया कसाई का। जन्म जन्म तक ना, जन्म जन्म तक ना छूटे ईसा डब्बा ले दिया शाही का। जोरदार ताली।